Before watching the video, don't forget to subscribe the channel and enable bell notification to never miss an update from us. Hello guys, welcome back to Entry. My name is Sandeep Nehra, your educator at Entry. Basically, आज हम डिस्कस करेंगे RBI के बारे में, RBI ग्रेड बी का जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसके प्रोसीजर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। RBI ग्रेड बी से रिगार्डिंग आपकी जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज है, वो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके सोल्व हो जाएंगे। इस वीडियो में हम उसके क्वालिफिकेशन, पैटर्न, सैलरी अलाउंसेस और इसके अलावा जो आपका इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जैसे प्री, मेंस, इंटरव्यू और उसमें जो सिलेबस क्या क्या रहता है, कैसे उसके आपको प्रिपरेशन करनी है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही है और क्या एक्सपेक्टेड डेट है अब की बार जो आपके 2022 में जो आने की एक्सपेक्टेड डेट क्या रही, कब आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, कब इसका नोटिफिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद डेटा के साथ। ऐसा नहीं है कि डेटा हर एक चीज का, मैं पर्टिकुलर आपको डेटा दिखाऊंगा उसके बेसिस पे। और इसके अलावा RBI ग्रेड बी के आपको पता होगा कि RBI का वेज रिवीजन चल रहा है, तो कितनी परसेंट जो सैलरी है वो उसमें चेंज हुआ है और क्या क्या आपको जो आफ्टर जो वेज रिवीजन के बाद कितनी सैलरी आपको देखने को मिलेगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें RBI ग्रेड बी के बारे में, पर्टिकुलर वीडियो इन टॉपिक्स पे रहेगी और RBI ग्रेड बी के बारे में ऑलरेडी आपको काफी कुछ पता है, लेकिन जो चीज आज आपको नहीं पता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में सैलरी से रिगार्डिंग कितने पर्क्स रहते हैं, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है, उनको ये लगता है कि वो क्वालिफाई नहीं है। आपको पता है कि RBI का जो है अभी रिसेंटली क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग क्राइटेरिया चेंज हो चुका है और अपकमिंग डेज में और भी देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस होने को मिलेगा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आप ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो जरूर देखना कि क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग क्या आप क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स क्या होते हैं एक्चुअल में जो क्वालिफाइड है इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि वो नहीं दे सकते, ये पर्टिकुलर एग्जाम CA के लिए है या फिर जो IIM से पास आउट है या IIT से पास आउट है उनको पर्टिकुलरली ये एग्जाम देने को मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं इसके बारे में डिटेल में चीजें एक्सप्लेन करूंगा, क्या आपका एग्जाम पैटर्न है और जो ऑब्जेक्टिव जो पेपर रखा गया है, सब्जेक्टिव रखा गया है, उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या चीजें उसके अंदर रहती है, और जो सिलेबस है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कट ऑफ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कट ऑफ देखोगे तो आपको ये चीजें लगेंगी RBI ग्रेड ऑफिसर में एक्चुअल में इतना जो चीजें आपको देखने को मिलती है कि कट ऑफ इतनी कम क्यों रहती है और क्या आपके पास एक्सपेक्टेड डेट रहेगी। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सैलरी एंड पक्स की, तो जो आप सैलरी स्लिप देख रहे हो ये जुलाई 2018 की है। आपको रिसेंटली पता है कि जो RBI का है वेज रिवीजन चल रहा है और 3rd December को इसका वेज रिवीजन के रिगार्डिंग कंफर्मेशन हो चुका है। अभी इसका ऑफिशियली पूरा चीजें हैं अभी आउट नहीं हुई, इंटरनल एक जो PDF सर्कुलेट हो रही थी कि इतने इतना जो स्लैब बनाए हुए थे कि जिनकी बेसिक पहले पे जो थी उसका अब चेंज होकर कितना हाइक हमें देखने को मिला। अगर ओवरऑल मैं बात करूं अप्रोक्सीमेटली 57% आपको चेंज देखने को मिलेगा RBI ग्रेड बी की सैलरी में, 57% हाइक है अब की बार, क्योंकि जो बेसिक पे यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीनशॉट है, तो मैं एक एक कंपोनेंट एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कि जो बेसिक पे पहले 35,150 थी अब उसको चेंज करके यहाँ पे जो स्लैब है इंटरनल जो आपका सर्कुलेट किया गया था एक कंप्लीट PDF उसके अंदर आपको स्लैब बना के दिया होता कि जो एग्जिस्टिंग स्केल थे, जैसे RBI ग्रेड बी की बात करें आपको पता है इस PDF में देख सकते हो 35,150 आपकी बेसिक पे थी, अब वो चेंज हो गई कितनी हो गई 55,200, तो ये बेसिक पे में आप देख सकते हो कितने परसेंट का यहाँ पे चेंज हो, अराउंड 57% का यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला। इसके साथ साथ बाकी चीजों में मिलेगा, क्योंकि देखिए बेसिक पे पे आपके DA ये सारी चीजें कैलकुलेट होती है, तो अगर बेसिक पे इंक्रीज हुई है तो डेफिनेटली बाकी चीजें भी आपकी चेंज होंगी। तो ओवरऑल ये जो सैलरी स्लिप थी 2018 की है या फिर कह सकते हो आज से पहले की है, क्योंकि अब जो चेंज हुआ है उसमें आपको सैलरी है वो क्या होगी ज्यादा बढ़ के दिखाई देगी, यानी ज्यादा इंक्रीमेंट। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि RBI में सैलरी जितनी होती है उससे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं वहां के अलाउंसेज और पर्क्स होते हैं, और इसमें भी सबसे बड़ी इंपोर्टेंट चीज क्या है कि जैसे सैलरी का रिवीजन हुआ है, वेज रिवीजन हुआ है, इसी तरीके से पर्क्स और अलाउंसेज में भी चेंजेस आए हैं, वो अभी फिक्स नहीं हुए बट इसका जो है माना जा रहा है कि जो सैलरी जैसे इंक्रीज हुई है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा अमाउंट में पर्क्स और अलाउंसेज भी चेंज होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखो। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं यहां पे आप 57% हाइक के साथ देख सकते हो कि देखो 80,176 पहले ग्रोस थी आपकी, ठीक है ना, ग्रोस पे की बात करें। अब काफी स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि इन्हें हैंड तो हमें बहुत कम मिलती है, जैसे यहाँ पे 53,740 है। देखो एक चीज बताऊं मुझे आप, ये जो NPS का पैसा जाता है ये कहां जाता है, वो आप ही का तो पैसा है, ये ऐसा थोड़ी है जो प्रोफेशनल टैक्सेस वगैरह कटते हैं, आपको पता ITR फाइल करके एट द एंड ऑफ द ईयर आप ये चीजें क्या कर सकते हो, रिइंबर्समेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो काफी कुछ हद तक चीजें क्या होती है कि वो आपकी खुद की होती हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि जो इन हैंड है वही आपकी सैलरी, नहीं, NPS में हो गया ये जो पैसा जाता है ना, NPS वगैरह या फिर एक्स्ट्रा जो चीजें रहती कंपोनेंट रहता है वो आप ही के हैं,
कहीं ना कहीं वो आपके हैं, हो सकता है कि उस टाइम के बाद आपको मिलेंगे, लेकिन एट द एंड अगर हम वो चीजें देखें तो क्या वो किसी और के नहीं, वो आपके हैं। और सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना अपने एंड से आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि एनपीएस का जो मंथली कंट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करते रहते हैं, लेकिन ये पॉइंट आपको समझना होगा कि जो ग्रोस पे है ना वही आपकी टोटल यहाँ पे पहले जो थी वो सैलरी हुआ करती थी। अब ये जो कुछ नहीं, ये तो आरबीआई की जो ओवरऑल अगर मैं बात करें ग्रेड बी ऑफिसर की सैलरी में, उसका इसका 50% भी रोल नहीं है, इससे ज्यादा इसके अलाउंसेस पर्क्स वगैरह है। अब जो चेंज हो गया आपको पता है 55,000 हो गई, तो यहाँ पे आप ओवरऑल अगर बात करोगे ग्रोस पे वगैरह चेंज हो जाएगी इसमें। जब इसका एग्जैक्ट मैं अभी जो डेटा है वो आपको नहीं बताऊंगा, एग्जैक्ट जब एक नई सैलरी स्लिप आएगी ना रिवीजन के बाद, वो मैं आपके साथ सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूंगा कि भाई इतनी पर्टिकुलरली आई है, ठीक है। क्योंकि अभी जो कुछ चीजें चेंज नहीं हुई, कुछ चीजें फिक्स नहीं हुई है, कुछ कंपोनेंट और ऐड होंगे, तो यहाँ पे जो चीजें है ना अभी चेंज होंगी, सब कुछ चेंज होगा, डीए वगैरह सब कुछ ए टू जेड। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी एग्जैक्ट हमें सैलरी स्लिप मिल जाएगी हम आपके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, बट आपको ये ध्यान रखो कि इससे एक मोटा मोटा आइडिया लगा लो कि यहाँ पे अगर 35,150 था, इसको चेंज करके 55,200 रख दिया, तो अप्रोक्सीमेटली 57% का इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखो कि ओवरऑल भी मान के चलो कि 60% तो होगा ही होगा चेंज, इतना तो है, बाकी चीजों को मिला के, क्योंकि डीए वगैरह आपके बेसिक पे कैलकुलेट होता रहता है, वो चीजें आपको धीरे धीरे पता लगेगी। बाकी जब ऑफिशियली इसका पूरा एक कंप्लीट बता दिया जाएगा कि सैलरी में इतना और पक्स में इतना चेंजेस हुआ। अब पक्स की बात करें, देखिए पहले डीए क्या था, यहाँ पे था डीए होता था 113% होता था बेसिक पे का, तो ये भी आपको पता है यार बेसिक पे जो 35,000 के आसपास थी आपकी वो बढ़ गया 35,000 हो गई है, सॉरी 55,000 हो गई, तो क्या आपका डीए में चेंज नहीं होगा? पहले इसके ऊपर 113% मिले था, अब इसके ऊपर मिलेगा, तो ये जो चीज है ना डीए भी चेंज होगा, ये नहीं है कि अब ये 113% ही रहेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सारी चीजें कंपोनेंट चेंज होंगे, ये सिर्फ एक इंटरनल सर्कुलेशन का जो पीडीएफ था उसके रिगार्डिंग ये जो पूरा मुझे स्क्रीनशॉट मिला था कि भाई इतना चेंज हुआ है, ठीक है, लेकिन सारी चीजें भी फिक्स नहीं है, बट डेफिनेटली चीज देखने को मिली कि बेसिक में इंक्रीमेंट हुआ तो बाकी चीजों में तो आएगा ही आएगा। अब अगर एचआरए की बात करते हैं तो देखिए अगर मैं बात करूं पहले जो लीज रिकमेंडेशंस होती ना जैसे मुंबई वगैरह है, वैसे तो आरबीआई के क्वार्टर्स वगैरह रहते थे वहां पे ग्रेड बी एम्प्लॉयज के, 2 BHK 3 BHK के, आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे उसके रिगार्डिंग, क्योंकि काफी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स ने उन्होंने शेयर किया है। अगर उनके जो इंप्लॉयज हैं उनको एलोकेटेड नहीं किए जाते फ्लैट्स वगैरह, तो वो 70,000 तक रेंट क्लेम कर सकते थे, क्योंकि रेंट अलाउंस होता था ना 70,000 तक। ये मेट्रो सिटीज की बात हो रही है जैसे मुंबई वगैरह है, ये बाकी प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, जैसे काफी मेट्रो सिटीज नहीं है वहां पे ये थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन अब की बात जो चीजें चल रही है कि इसको बढ़ा के 80,000 कर दिया जाए, ये मुंबई की बात हो रही है कि जो 60 मिलता था 70 शो कर रखा, बट जहां तक मुझे पता है मैंने जिससे भी बात की उन्होंने कहा कि 60,000 के अराउंड रहता था मेट्रो सिटी में, अब इसको बढ़ा के 80,000 करने के लिए बोल रहे हैं, क्लियर है। जो मेडिकल अलाउंस था अप टू 4,000 था वो क्लेम कर सकते थे, लेकिन ये जो आपको पता है कि मेडिकल का कुछ अलग ही क्राइटेरिया रहता है, अगर बैंकिंग में अगर आपको ऑलमोस्ट सभी बैंक्स में देखने को मिल जाता ऑलमोस्ट मेडिकल आपके और आपके डिपेंडेंट का 100% रहता था, कुछ एक परसेंट चेंज होता रहता था, वो बैंक टू बैंक वेरी करता था। आरबीआई में भी कुछ चीजें चेंज होंगी इसके रिगार्डिंग भी अभी चीजें चल रही है, इसका एग्जैक्ट अभी फिक्स आउट नहीं हुआ है, जितने भी पक्ष है उसमें बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है, क्योंकि हर एक चीज के लिए अलग अलग डिमांड की गई है। अभी जो आप सैलियन पक्ष देख रहे हैं ना अभी वो चीजें नहीं रहेंगी, अब बढ़ जाएंगी इसके अंदर। अगर आपको पता है कि जो आरबीआई ग्रेड ऑफिसर एजुकेशन अलाउंस देता है, जैसे आप मान लीजिए आप फॉरेन स्टडी करने जा रहे हो, तो पहले क्या होता था कि भाई उसमें आपको पर्टिकुलर अमाउंट दी जाती थी, अब वो बढ़ा के बोले कि अप्रोक्सीमेटली 60-70 लाख कर दी जाए, कि आप जैसे फॉरेन में स्टडी करने के लिए जा रहे हो हाईएस्ट स्टडी, तो उसके लिए आरबीआई आपको खुद ही अपने एंड से वहां पे वो पैसे पे करता है, ऐसा नहीं है कि वो आपको रीपे करना पड़ेगा ना, वो आपके लिए लोन है, वो आपकी एग्जैक्ट आपके लिए अमाउंट है, आप उसकी से कहीं भी हार्वर्ड वगैरह जहां भी आप पढ़ना चाहते हो वहां से इजिली आप अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ये भी अभी चेंज हो रहा है, पहले आई थिंक 60 लाख था, ये बढ़ा के 70-80 लाख कर रहा है, मैं बता रहा हूँ ये भी फिक्स नहीं हुआ, इसलिए इसकी रिगार्डिंग अभी चल रही चीजें, जब इसका फाइनली चीजें निकल के आएंगी ना तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट मैं एक मोटा मोटा आपको रफ आइडिया बता रहा हूँ यहाँ पर। अब फ्यूल अलाउंस की बात करते हैं, पहले क्या होता था कि 150 लीटर के अराउंड यहाँ पे चीजें आपको देखने को मिलती थी पेट्रोल का पर मंथ, ये पर मंथ आप बैंक में देख रहे हो ना कि 50 लीटर मिलता होगा, ये भी बैंक टू बैंक वेरी करता है, आरबीआई में इससे भी सॉरी आरआरबीज में इससे भी कम मिलता आपको, तो आरबीआई में पहले 150 लीटर मिलता था, ठीक है। अगर आज के रेट से बात करो तो पहले भी 15,000 रुपए आपको क्लेम मिलते थे ऐसे फ्यूल के लिए, लेकिन अब जो इसको बढ़ा के 250 लीटर के अराउंड कर रहे हैं कि 250 लीटर यहाँ पे आपका पेट्रोल का यहाँ पे आपको अलाउंस मिलना चाहिए लीटर्स यानी फ्यूल वाला, तो यहाँ पे पेट्रोल डीजल वो वेरी करता रहेगा, बट अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि 100 रुपीज के अराउंड आपका रेट चल रहा है, तो ये भी अराउंड अब 25,000 हो जाएगा,
ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके अलावा मेड अलाउंस भी आपको मिलता था, पहले 3000 था, तो ये सारी चीजें क्या थी, पहले अलाउंसेज बहुत ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा अलाउंसेज है। मैंने क्या कहा था कि जितनी सैलरी है उसका जो टोटल, अगर आज भी ग्रेड बी की बात करें, जो टोटल उसको इनकम होती है पर मंथ, उसका 50% ही सैलरी रहती है, उससे ज्यादा तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं वो अलाउंसेज से लेता था। और इसके अलावा मैं आपको पता है मोबाइल अलाउंसेज हो गया, मेड अलाउंसेज हो गया, सुरक्षा कूपन है जो आपको वेरी करता रहता है, ठीक है ना। अभी ग्रोसरीज वगैरह इनके पर्पज के लिए आप यूज कर सकते थे, बट देखिए ओवरऑल मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, ये पहले हुआ करता था, अब इसके अंदर चेंज है। पहले क्या होता था कि आपको एलएफसी मिलती थी अराउंड 1 लाख की थी, ठीक है, अब जो ये चेंज करके बोल रहे हैं कि जो अभी 1.5 लाख पर पर्सन होनी चाहिए, ठीक है, 1.5 लाख पर पर्सन यहाँ पे एलएफसी आपको मिलनी चाहिए, और ये पर्सन है हर 2 साल में आपको क्लेम कर सकते हो पर 2 ईयर्स, ठीक है, टाइम तो वहीं से रहेगा, अमाउंट यहाँ पे चेंज कर दी गई है। ब्रीफ केस स्पेक्चल्स ये अलाउंसेज बहुत सारे अलाउंस है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अलाउंसेज जब आप ज्वाइन करोगे ना आरबीआई ग्रेड बी या फिर आरबीआई में आप असिस्टेंट भी जाते तो आपको पता लगेगा कि इतने सारे अलाउंसेज हैं कि आपको धीरे धीरे 1-2 साल में जाके आपको चीजें समझ जाएंगी, ठीक है। काफी मतलब मैंने खुद काफी बच्चों से बात की, उन्होंने कहा कि हमें तो 2 साल तक समझ आया कि ये भी अलाउंसेज हमें पर्टिकुलरली मिलता है, ये फैक्ट है, क्योंकि अलाउंसेज इतने ज्यादा है। आप अभी भी देख सकते हो 11 अलाउंसेज, ये तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेज हैं आरबीआई में, बट वो आपको क्या धीरे 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 जैसे जैसे आप चीजें देखते जाओगे आपको समझ आती रहेंगी, फिर आपको पता लगता रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें रहती है, और ओवरऑल यहाँ पे सैलरी और पक्ष में एग्जैक्ट आपको नंबर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वही चीज है अभी एग्जैक्टली पूरा रिवीजन नहीं हुआ है, चीजें रहती हैं फाइनलाइज, एक पीडीएफ आपकी सर्कुलेट होगी बाद में, आरबीआई ऑफिशियली रिलीज करेगा कि भाई हमने ये चीजें यहाँ पे चेंज की है। टोटल सैलरी का तो हमें पता लग गया, बेसिक पे का तो हमें एग्जैक्ट नंबर्स मिल गए, लेकिन बाकी चीजों में बहुत सारी अभी डिस्कशन चल रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस होने बाकी हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की, क्योंकि आपने अलाउंसेस वगैरह देख लिया। अगर मैं मान मोटा मोटा आपको बताऊं ना, एक अगर आरबीआई ग्रेड ऑफिसर वेज रिविजन है अप्रोक्सीमेट डेटा बताऊं तो 2 लाख पर मंथ का यहाँ पे जो है एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2 लाख पर मंथ अलाउंसेज को मिला के। ये चीज ध्यान रखना, ये जो ग्रोस है ना इसको काउंट करके बोल रहा हूँ आप, क्योंकि वो एनपीएस का पैसा भी आप ही का है, तो 2 लाख पर मंथ है मिनिमम, ये मान के चलो कि इतना तो आपका जाना ही जाना है, इससे कहीं ना कहीं ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप डीए देख रहे हो, क्योंकि एचआरए वगैरह ये आप ही का है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल बात करोगे वैसे तो मोस्टली आपको आरबीआई के क्वार्टर्स मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो एक अच्छी खासी अमाउंट वहां से भी मिलती है आपको, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें रहती है, तो 2 लाख पर मंथ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना तो जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें जो बेसिक पे भी आप कैलकुलेट करके देखोगे ना तो वो चीजें आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। चलिए अब क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपको पता है पहले आरबीआई में 10th और 12th के मार्क्स भी काउंट किए जाते थे। आपको पता है कि हर 5 साल या 6 साल में आपका आरबीआई का है जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग या काफी चीजों में एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग। तो पहले जो हुआ करता था कि भाई 10th और 12th में इतने मार्क्स होने चाहिए, अभी सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ, या तो आपके ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए आप, अगर जनरल कैटेगरी से हो, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से हो तो 50%, अगर मान लो ग्रेजुएशन में आपके 60 ना होके 49 है, 48 है या फिर 60 से कम है तो आपको क्या है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में एटलीस्ट आपको 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आपके 10th में, मैं मान लेता हूं कि 10th में यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट डाउट रहती है काफी स्टूडेंट्स की, मान लीजिए मैं मान लिया आपके 42% है 10th में, 50% आपके 12th में, और 45% में मान लेता हूं आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है, सब क्या है आपके 60% से बिलो है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 62% है या फिर अगर मैं कहूं 56% है या 55% है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ये जो पॉइंट है ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, यहां पर जो और है ना इस चीज का पॉइंट समझो, या तो ये या फिर ये, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन में आपके 60% से भी कम है ना तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए अगर जनरल कैटेगरी हो, ठीक है। और अगर एससी एसटी डब्ल्यू हो तो पास मार्क्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है आपको, ठीक है। अब ये एग्रीगेट क्या होता है, ये काफी स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि एग्रीगेट मतलब कि सभी सेमेस्टर्स में 55% पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए और ग्रेजुएशन में 60%, ऐसा नहीं है। एग्रीगेट मतलब सभी सेमेस्टर्स में मिला के, मान लीजिए अगर आप बैचलर्स ऑफ साइंस कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली 2400 के प्रैक्टिकल्स का मार्क्स मिला के आपके होते हैं, ठीक है, 2400 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट, बाकी कॉलेज टू कॉलेज यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता रहता है। मान लीजिए कि 2400 मार्क्स हैं यहाँ पे टोटल ओवरऑल सभी सेमेस्टर्स के मिला के पेपर होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, 6 सेमेस्टर्स में मिला के टोटल जो मार्क्स होते हैं उसमें से कितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए, मान लीजिए आपने यहाँ पे 1200 मार्क्स लिए हैं तो 2400 यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करोगे यानी आपको 50% यानी एग्रीगेट कैलकुलेट करेंगे। अगर पहले में 44 है, दूसरे में यहाँ पे अगर 55 है या तीसरे सेमेस्टर में 60 है तो इससे मतलब नहीं पड़ता,
आपको ओवरऑल एग्रीगेट यानी पूरे सभी सेमेस्टर्स के मिला के या पर्टिकुलर ईयर्स के मिला के वही काउंट किए जाएंगे। तो ये पॉइंट काफी स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन में मान लीजिए अगर मार्क्स नहीं है 60% तो कोई बात नहीं, अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% से अबाव है जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं तो आप भर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पे ये नहीं है कि अगर मान लीजिए आपके माइंड में है कि भाई यार मुझे आरबी ग्रेड भी करना है, एक सिंपल सजेशन देता हूं, अगर 60% नहीं है ग्रेजुएशन में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो 55% हो जाएंगे आपने, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे सब्जेक्ट से करो जिससे आपको इजीली कंफर्टेबल हो और इजीली आप 55% प्लस अचीव कर सकते हो, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि वो आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म भरे लेकिन उनके ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स नहीं है। आप कर सकते हो अगर एग्जिस्टिंग आप किसी बैंक में जॉब करते हो, आपको है कि आपकी ड्रीम जॉब आरबीआई ग्रेड बी, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। ठीक है, काफी आपके लिए रिसोर्सेज आज के टाइम पे अवेलेबल है, जब से ऑनलाइन अगर एजुकेशन की बात करें काफी चेंजेस हुए हैं, काफी आपको डिस्टेंस कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपके माइंड में क्लियर है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में और का यहाँ पे है, या तो ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में, दोनों में नहीं चाहिए। और 10th और 12th के तो यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं कर रहे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 2021 की बात हो रही है। ठीक है, और एग्रीगेट वाला भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि सभी सेमेस्टर्स में मिलाकर डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से। अब चाहे पहले में आपके 40% आए हो या कुछ भी आए, वो फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, और यहाँ पे देखो ये जो टाइम वगैरह याद रख लेना, क्योंकि काफी बच्चे क्या करते हैं जैसे 10th के बाद कोई पॉलिटेक्निक करता है, ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं बीटेक। तो देखिए गवर्नमेंट के अलग अलग रेगुलेशंस होती हैं कि यहाँ पे जो फुल टाइम कोर्स है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा 12th के बाद, एटलीस्ट 3 ईयर का ड्यूरेशन होना चाहिए, काफी कोर्सेज में होता है। ठीक है, डिग्री और डिप्लोमा में काफी चीजें में फर्क है, और काफी चीजें ये होती है कि जैसे अगर मैं बात करूं 10th के बाद कोई पॉलिटेक्निक कर लेता है, ठीक है, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि 10वीं के बाद ये 3 साल कितना साल का हुआ, अगर ये 3 साल का भी है तो भी ये 12th के बाद मेंशन किया है। ठीक है, और काफी कैंडिडेट्स है, अलग अलग टाइम टू टाइम वेरी करता है, अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक बार आप ये चीजें देख लेना अच्छे से। क्लियर है, क्योंकि 12th के बाद 3 साल का वो कोर्स होना चाहिए, ये चीज इसने ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, क्योंकि कोर्स के रिगार्डिंग भी काफी आपकी डाउट रह जाती है। ठीक है, और जो फाइनल एग्जाम है मेंबरशिप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए वगैरह के लिए भी यहाँ पे मेंशन है। देखो काफी स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट आता है कि सीए के रिगार्डिंग बताइए कि सीए को क्या इस चीज के अंदर बेनिफिट मिलता है अलग से कुछ। देखो एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ कि आरबीआई है पब्लिक डीलिंग नहीं होती, आपको पता है कि बैंकों मोस्टली पॉलिसीज वगैरह अकाउंटेंट अकाउंट संभालना, बैंक के चीजें, बैंक का इंस्पेक्शन करना, ये सारी चीजें इसके अंदर रहती है। आरबीआई पॉलिसीज वगैरह बनाता है तो इकोनॉमी के रिगार्डिंग ये चीजें चलती है इसमें। तो इसके अंदर क्या होता है कि सीए को ज्यादा बेनिफिट इस पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है कि वो सीए क्या है, वो अकाउंट्स को अच्छे से समझ लेता है। ठीक है, जब भी मान लीजिए आपका कोई फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, ठीक है, पूरा आपको चीजें देखने को मिलती है, तो अगर कोई भी इंप्लॉय है, ठीक है, एज ए आरबीआई ग्रेड भी है, आप इंस्पेक्शन करने जाते हो, तो आपको क्या है कि उतनी नॉलेज नहीं होती जितनी ज्यादा सीए को होती, क्योंकि सीए है क्या है, अगर सीए 5 साल का वो कंप्लीट कोर्स करके आ रहा है, उसको उसने डेफिनेटली हर एक चीज है आपको अच्छे से पता है, बैलेंस शीट क्या होती है, पूरी चीजें उसने अच्छे से पढ़ रखी हैं, तो उसके लिए वो बेनिफिट है कि उस चीज में आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आरबीआई ग्रेड बी बनने से पहले उसको कोई अलग स्पेसिफाई यहाँ पे बेनिफिट नहीं दिया गया, आरबीआई के लिए सब इक्वल है, सबने इक्वली है, चाहे वो सीए हो, चाहे आपने बीए कर रखी हो, चाहे आपने बैचलर्स ऑफ साइंस कर रखी हो, चाहे आपने बीटेक कर रखी हो, चाहे कुछ भी कर रखी हो, चाहे आईआईटी आईआईएम से पास आउट हो, उनके लिए सब इक्वल है। अब बोलोगे कि आईआईएम आईआईटी वाले को ज्यादा वैल्यू वहां पे इंटरव्यू में वो मिलती है, देखो अगर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो ना तो सब इक्वली है वहां पे। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आईआईटी आईआईएम से है ना तो वो भी क्या है, वो आपको कम्पीट करेगा, अगर आप बीए कर रहे हो तो आप भी कम्पीट कर रहे हो, इसमें इसको कुछ अलग बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंटरव्यू में काफी स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी रहती है कि आईआईएम से पास आउट है तो उसके अंदर वो चीजें देख के इंटरव्यू वाले जो उनको ज्यादा मार्क्स देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, उनको इससे मतलब नहीं, वो आईआईटी से पास आउट है आईआईएम से, उनको मतलब है कि वो उस टाइम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो अपना 100% दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो चीजें ज्यादा मैटर करती है एज कंपेयर टू कि आपने कहां से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने की है। तो ये माइंड में जो मिथ है ना कि सीए या बड़े बड़े जो आईआईटी आईआईएम से पास आउट है उनको ज्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है, ऐसा कुछ नहीं, अगर आपने बीए भी कर रखी है ना तो भी आप यहाँ पे अच्छे से कम्पीट कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आप मान के चलो कि इस लेवल तक आप पहुंचे हो बीए या बीएससी या बीटेक चाहे कोई भी आपने डिग्री कर रखी हो, तो ऐसा नहीं है कि आप उस चीज के लायक नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे आरबीआई ग्रेड भी है, मतलब काफी स्टूडेंट्स हैं बैंकिंग में, आपको पता अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 लाख बच्चे हर साल बैठते हैं, लेकिन हर कोई आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम नहीं देता। अगर जो कोई मान लिया मैंने कोई क्वालिफाई भी नहीं कर पाता, उनको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी इतनी नहीं हो पाती, मान लीजिए किसी के मार्क्स नहीं है, बट फिर भी काफी स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है, बट इतने स्टूडेंट्स फिर भी नहीं आते, अराउंड 80 to 90,000 स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में हर साल फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज अलग अलग वेरी करती रहती है, तो इसका आपको माइंड में मिथ नहीं रखनी है पहली बात।
ये आपकी जो DEPR है, क्योंकि RBI ग्रेड बी का है, अलग अलग है, ये जनरल के लिए है, ये DEPR के लिए है। इसमें देखो अलग अलग चीजें है, क्योंकि पर्टिकुलरली अलग अलग डिपार्टमेंट है। DEPR में क्या होता है कि मास्टर डिग्री चाहिए, या तो आप इकोनॉमिक्स में रखो या इकोनोमेट्री, ये अलग अलग मेंशन कर रखा है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन है इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग आप, क्योंकि वहां पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट मिलेंगे। तो उस हिसाब से, क्योंकि जैसे आपने एसओ की भी देखी, एसओ की अलग क्वालिफिकेशंस होती है, पीओ के लिए अलग होता है, ठीक है, तो वो अलग वेरी टू वेरी करता रहता है, क्योंकि आपको अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट में काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके DEPR की टोटल क्वालिफिकेशन आपको मेंशन कर रखी है, तो ये एक बार आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया है ना 55% है, मास्टर डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ना तो आपको ग्रेजुएशन कहीं मेंशन कर रखा है ना कहीं हो रहा है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होनी चाहिए, या फिर PGDM होता है जो IIM से या फिर किसी और से, कि MBA या फाइनेंस से कर रखा हो 55%। तो ये 55% वाला जो कॉन्सेप्ट है, मे भी मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में ये चेंज हो जाएगा। जैसे बेसिक आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन आपने पास आउट होनी चाहिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं जो इस जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर उनका कोई ड्रीम जॉब है ये, तो वो चाहते हैं कि वो फॉर्म फिल करें बट नहीं कर पाते। किसकी वजह से? ये मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो परसेंटेज का क्राइटेरिया लगा हुआ है ना, इस वजह से काफी स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं बात करूं, मैं किसी 10 कैंडिडेट से बात करता हूं, उसमें से 2 से 3 ऐसे मिल जाते हैं जिनके 60% से बिलो मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने की नहीं है, तो उनके माइंड में ये रहता है कि सर हम तैयारी करना चाहते हैं लेकिन इशू ये है कि हमारे इतने मार्क्स नहीं है। तो हो सकता है कि अपकमिंग कुछ टाइम में या फिर 2020 में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। हो सकता है कि मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं कि इतना तो एटलीस्ट इक्विवेलेंट होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स के लिए, कि इक्वालिटी यहां पे होनी चाहिए, क्योंकि मान लिया कि 60% को दिक्कत की बात नहीं, बट फिर भी बाकी स्टूडेंट्स को मौका मिलना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि तुम उसके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे किसी को जज कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीजें रहेंगी, तो हो सकता है एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में आपको ग्रेजुएशन से देखने को मिले चीजें। लेकिन जो ये बात हो रही सिर्फ जनरल की, ऐसा नहीं DEPR वगैरह इन भी चीजों के, इनके अंदर वही सेम चीजें रहेंगी, वो तो एक स्पेशलाइज चीज हो जाएगी। इसी तरह DSMI की जो पोस्ट, DSIM की जो पोस्ट होती है, उसमें मास्टर डिग्री चाहिए स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स, और ये अलग अलग आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखे, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये भी यहाँ पे आपको जो क्राइटेरिया है वो मेंशन कर रखा है 55% मार्क्स के साथ। ऑलमोस्ट मान के चलिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, तो उसमें 55% तो मैंडेटरी है, ठीक है। बाकी आप पर्टिकुलरली स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप किसी पर्टिकुलर, आपको यहाँ पे पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, और उसमें क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। अब बात करते हैं RBI के एग्जाम के बारे में। तो देखिए RBI का जो एग्जाम होता है वो 3 अलग अलग स्टेजेस में होता है, जैसे आपका बैंकिंग का होता है, प्री, मेंस और आपका इंटरव्यू, ठीक है। अब इंटरव्यू में एक थोड़ा सा साइकोमेट्रिक टेस्ट भी यहाँ पे रिसेंटली जो 2021 का नोटिफिकेशन आया था उसमें चीजें देखने को मिली थी, साइकोमेट्रिक टेस्ट। अब वो क्या होता है वो मैं आपके आगे शेयर करूंगा आपके साथ, कि उसके अंदर क्या आपसे करवाया जाता है, या फिर क्या वो डिफिकल्ट है, और क्या ये थोड़ा सा टाइम, काफी बच्चे क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए क्या स्पेशली कहीं से क्लासेस कवर अप करनी पड़ेंगी क्या, या फिर कुछ और चीजें रहेंगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर मैं प्रीलिम्स एग्जाम की बात करता हूँ, प्रीलिम्स एग्जाम है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें जो सब्जेक्ट रहते हैं आपके, एक तो रहता है आपका GA जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश और रीजनिंग, ऑलमोस्ट ये सेम है जो आपका बैंकिंग का एग्जाम होता है। इसमें टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 200 है, मैक्सिमम मार्क्स है 200 है, और टाइम है वो 2 घंटे। अब आप पूछोगे टॉपिक वाइज बताइए, देखो अगर मैं GA की बात करूं तो GA में 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे, और टाइम कितना मिलता है 25 मिनट मिलती है इसके अंदर। अब क्वांट की बात करूं, क्वांट में आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं, 25 मिनट आपको मिलती है। सेम अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, 30 क्वेश्चन है, 25 मिनट आपको मिलते हैं, और रीजनिंग में आपके होते हैं 60 क्वेश्चन 45 मिनट। तो यहाँ पे कितने हो गए 60, 30, 90, 30, 120 + 80 यानी 200 क्वेश्चन। तो 200 क्वेश्चन टाइम कितना होगा 25, 50, 75, 75 + 45 यानी 120 मिनट, 120 मिनट यानी 2 घंटे, क्लियर है। तो ये आपका टाइम डिवाइड कर रखा है यहाँ पे, ये पर्टिकुलरली एग्जाम का पैटर्न है प्रीलिम्स का। तो ऑलमोस्ट आप मान सकते हो अगर बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो प्रीलिम्स में आपको कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा, सिलेबस है वो सेम है प्री का। अगर बैंक एग्जाम्स में, चाहे आप SBI की तैयारी कर रहे हो, IBPS PO की कर रहे हो, तो यहाँ पे सेम ही चीजें आपको देखने को मिलती है। लेकिन चीज कहाँ होता है जाके, मेन्स एग्जाम में। तो ये आपका प्रीलिम्स का पैटर्न है और ये है आपका मेन्स एग्जाम का। अब अगर मैं मेंस की बात करूं तो देखिए मेंस में काफी अलग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो RBI है उसने 2 चीजें इन्वॉल्व की है, सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेगा यहाँ पे। आपको ऑब्जेक्टिव भी पेपर देखने को मिलेगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव भी देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन में मिलेंगे, और जो आपको टाइप करने पड़ेंगे कीबोर्ड की हेल्प से। देखो अगर मैं सबसे पहले पेपर 1 की बात करूं, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का, तो इसमें 50% ऑब्जेक्टिव पेपर है और 50% डिस्क्रिप्टिव है। टोटल अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का, 50 आपका डिस्क्रिप्टिव का। अब किस तरीके से इसमें चीजें पूछी जाएंगी, देखो ऑब्जेक्टिव जो पेपर रहेगा उसके अंदर आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के,
तो कितने हो जाएगा 40 मार्क्स, और 10 क्वेश्चंस होंगे आपके कितने 1 मार्क्स के, तो टोटल कितना होगा 10 यानी 50, 40 प्लस 10 यानी 50 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, जिसके लिए आपको कितना मिनट मिलेगा 30 मिनट का टाइम मिलेगा। अब अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें, जो हमें कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करके लिखना पड़ेगा, उसके अंदर क्या होता है कि आपको 15-15 मार्क्स के यहाँ पे तीन क्वेश्चंस होते हैं, बट इसमें से आपको कितना करने पड़ते हैं, सिर्फ दो ही क्वेश्चंस होते हैं। सेम इसी तरीके 10-10 मार्क्स के क्या होते हैं आपके यहाँ पे तीन क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको दो करने होते हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 15-15, 30-10, 20, 30-20, 50, इस तरीके से आपका जो डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का मिलता है और 90 मिनट आपको टाइम मिलता है। तो पहला पेपर होता है टोटल 100 मार्क्स का और 120 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो पेपर वन के बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव में अलग अलग मैंने बता दिया कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने कितने मार्क्स उसको दिए गए हैं। ये पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं, यहां पे देखो एक चीज और है कि काफी स्टूडेंट्स के माइंड में है कि डिस्क्रिप्टिव में पहले क्या होता है कि वर्ड लिमिट नहीं दी। अब जो मार्क्स जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना 15-15 मार्क्स के, जो मैंने बताया कि 15-15 मार्क्स के तीन मिलेंगे जिसमें से आपको दो करने, तो इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 600 वर्ड्स है। और जो आपके दो क्वेश्चंस करने होते थे 10-10 मार्क्स में से तीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से दो करने होते थे, इनकी 400 वर्ड्स है। तो इनकी लिमिट रख दी वर्ड्स की, इसी के अंदर आपको इसको कवर अप करना है। पहले क्या था तो आप कितने भी चीजें लिख सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है, इसमें इसको थोड़ा सा चेंज हुआ है। फिर आता है पेपर टू, जो होता है इंग्लिश का, जो राइटिंग स्किल्स पे बेस्ड रहता है। एक डिस्क्रिप्टिव के इसमें तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो एसे होता है, प्रिसाइज होता है, और एक आपका कॉम्प्रिहेंशन। या फिर टोटल अगर मैं बात करूं, तीन क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं और किस तरीके से 40, 40 और 20, इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहता है, ठीक है। 40 ऐसे प्रिसाइज और ये, ठीक है। तो ये टोटल कितना रहता है, 100 मार्क्स का रहता है। 90 मिनट्स आपके पास हैं इसके लिए, तो टोटल इस तरीके से रहता है। फिर आता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, सेम 50 ऑब्जेक्टिव के, 50 डिस्क्रिप्टिव के, और 50-50 मार्क्स होता है, 30-90 मिनट है, यानी इकोनॉमिक्स और सोशल इशू टाइप का आपका ये भी पेपर है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है कि आप मेंस बैंक एग्जाम में क्या होता है कि सेम ही सब्जेक्ट मिलते थे। मान लीजिए इंग्लिश तो आपका फिर भी सेम है, क्योंकि एसबीआई आईबीपीएस पीओ में देख रहे हो, डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है ऑलमोस्ट सेम है, प्रिसाइज वगैरह का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसके अंदर, बट ओवरऑल अगर बात करें तो ठीक है, इंग्लिश में आप एडजस्ट कर लोगे। इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये दो पेपर अलग है, इनको थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इसमें भी डिस्क्रिप्टिव का कहीं ना कहीं 50% क्या होगा, अभी डिस्क्रिप्टिव कर दिया, ऑब्जेक्टिव 50% ही रहा है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं फेज थर्ड की, जो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको पता है कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, जो उसको फेज सेकंड में मार्क्स मिलते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है, पेपर वन टू और थ्री में मिला के, क्योंकि आपको पता है कि मेंस में तीन ही पेपर होते हैं, 1, 2, 3, तो इन तीनों में जितने मार्क्स होते हैं फेज टू में, यानी मेंस के मार्क्स के बेसिस पे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो मिनिमम यहाँ पे कट ऑफ आपकी रहती है, वो आपको टाइम टू टाइम पता लग जाएगा, और ये वैकेंसीज के अकॉर्डिंग रहता है कि भाई जो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई है उसके अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है। तो अब यहाँ पे इंटरव्यू है, पहले क्या होता था इंटरव्यू में चेंज करके अब 75 मार्क्स का रख दिया गया। अब 75 मार्क्स का क्यों रखा है, क्योंकि अगर मैं बात करूं टोटल, अगर मेन्स एग्जाम की बात करूं तो हमें टोटल 300 मार्क्स का तो मेन्स मिलता है, ठीक है, प्लस 75 मार्क्स का क्या होता है आपका इंटरव्यू रहता है। तो 375 में से टोटल में से यहाँ पे आपको 375 में से फाइनलिस्ट लगती है, क्योंकि 75 है, फिर क्या हो जाता है कि उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये कितने परसेंट है इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, ये कितना 25% की वेटेज रहती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 300 का निकालोगे 25% के अप्रोक्सीमेट इसकी वेटेज रहती है। तो 75 मार्क्स का यहाँ पे क्या है इंटरव्यू आपको देखने को मिलता है, क्लियर है। अभी साइकोमेट्रिक टेस्ट है, क्या है, बिल्कुल बेसिक टेस्ट है, इसमें ज्यादा आपको वो करने की घबराने की जरूरत नहीं है, ना किसी पर्टिकुलरली आपको कहीं से कोचिंग या फिर क्लासेस या फिर किसी पर्टिकुलर चीजें देखने की जरूरत है, आप बेसिक बिल्कुल चिल होकर जाइए, कोई भी इसके अंदर स्पेशल अलग से कुछ चीजें नहीं है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है। आपकी नॉलेज यहाँ पे ज्यादा टेस्ट नहीं कर रहे कि वो नॉलेज वगैरह होनी चाहिए या फिर कुछ ज्यादा ही स्पेशलाइज, जैसे सीडीएस वगैरह में आपने देखा होगा, एसएसबी वगैरह, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीजें रखी है, ठीक है। और आपको इसके लिए कहीं भी, क्योंकि काफी चीजें क्या होता है कि लोग डरा देते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसमें ये पूछ सकते हैं, आपको ये चेक कर लेंगे, ये वो कर लेंगे, आपको बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो ऑलरेडी सारी चीजें देख चुके हैं, प्री आपने क्लियर किया, मेंस किया, इंटरव्यू किया है, तो इतना तो नहीं है कि वो इतने आपने स्टेज पास कर ली है तो यहाँ पे आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट इसीलिए कर रहे हैं, क्या पता आप यहाँ पे वो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, जैसे आपने बैंक में एलपीटी देखा था ना, वही सेम चीज है, ठीक है, उसी टाइप का है, सेम नहीं है, एलपीटी का वहां लैंग्वेज टेस्ट होता है, यहाँ पे कुछ अलग चीज है वो, लेकिन ये समझ लिए कि इतनी यहाँ पे चीजें आपको अलग नहीं देखने को मिलती। साइकोमेट्रिक बिल्कुल सिंपल टेस्ट है और ज्यादा इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इसके लिए सेपरेट चीजें मिल जाएंगी, जब इसका एग्जाम आएगा ना आपका नियर बाई आएगा तो मैं आपको डिटेल में चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन करना थोड़ा सा और जो वीडियो की लेंथ है वो बढ़ जाएगी,
क्लियर है। तो इसके लिए आपको सेपरेटली कहीं से तैयारी नहीं करनी, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू गो टू अंडरगो साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्टेड बाय द बैंक बिफोर द अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू, नो मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर द सेम एंड दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब आपको यहाँ पे ये चीज समझ आ गई कि इसके लिए कोई भी फाइनल जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसका नहीं रहेगा, ये बेसिक है, ये मान लीजिए आपके काइंड ऑफ वार्म अप आपके लिए, क्योंकि इसका फाइनल जो सिलेक्शन में अगर मान लीजिए कोई भी अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट कुछ ऐसा होता तो आपके फाइनल सिलेक्शन में इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है कि इसको कुछ वेटेज मिलती, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना है और सिंपली एक इंटरव्यू से पहले कंडक्ट करवाया जाएगा। ये जो इंटरव्यू है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, काफी स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट रहता है क्या हिंदी और इंग्लिश, तो देखो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स है वो भी आपके हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होते हैं, तो ये चीजें तो आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई भी आप पर्टिकुलर एग्जाम्स देने जा रहे हो गवर्नमेंट जॉब का, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश का दोनों का कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है लैंग्वेज। अब एक माइंड में रहता है कि यार इंग्लिश में अगर इंटरव्यू देते हैं तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देखो एग्जामिनर है ना वो ये नहीं देखता आप हिंदी और इंग्लिश के लिए, काफी स्टूडेंट्स के माइंड में मिथ है कि हिंदी में दोगे तो आपके मार्क्स कम मिलेंगे, वो आपकी चीजें देख चुके हैं ऑलरेडी, आपने प्री क्लियर किया है तो वो तो मेंस किया है या फिर आप इंटरव्यू तक पहुंचे, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, ठीक है। डेफिनेटली अगर मैनेजमेंट के आपने एग्जाम किया, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट क्लियर किया है, इंग्लिश का आपने पेपर जो पेपर सेकंड होता है अगर वो क्लियर किया है तो उसको ये चीज तो पता है कि वो कैसे चीजें देख रहे हैं, कि कैसे उनको चीजें उनके बारे में नॉलेज है कि नहीं है, लेकिन आपके माइंड में चीज रहती है इंग्लिश में देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो इंटरव्यू का जो मेन बेसिक पर्पज है ना वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बिल्कुल कंफर्टेबल, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, जिसमें भी हो उसमें इंटरव्यू आप दो, उसके लिए ऐसा नहीं है कि यार इंग्लिश में दूंगा इंप्रेशन पड़ेगा, बट वहां पे आप फिर क्या कर रहे हो, एरर कर रहे हो छोटी छोटी चीजों में, गलतियां कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप जो चीजें एक्सप्लेन करना चाहते हो वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो वो नहीं रख पाते, तो उसमें क्या होता है एग्जामिनर भी आपसे क्या है वो एक अच्छा सा वो बॉन्डिंग नहीं बना पाता। आप जो चीजें एक्सप्लेन करना चाहते हो और हिंदी में वही चीज आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग आपकी बन जाती है, तो वहां पे आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है ना कि आपके नॉलेज टेस्ट हो रहा है कि आप हिंदी में नहीं दे सकते इंग्लिश में ही देना, ये आरबीआई का एग्जाम है, इतने बड़े बैंक का एग्जाम है तो इंग्लिश में ही होना चाहिए, ये वो ये सारी चीजें मिथ है सब कुछ, ठीक है। लोग मेंस जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम क्लियर करते हैं, आईएएस बनते हैं हिंदी में इंटरव्यू देके, तो ये तो फिर भी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर है, क्लियर है। तो फाइनल सिलेक्शन है यहाँ पे, आपको पता है कि जो टोटल मार्क्स है फेस सेकंड के प्लस इंटरव्यू के मिलके आपको टोटल फाइनलिस्ट आउट होती है 375 मार्क्स में, ये चीज आपको पता लग गई, क्लियर है। 300 आपके मेंस एग्जाम होता है, 75 आपका इंटरव्यू रहता है। तो ये जो पेपर फर्स्ट आपका सोशल एंड इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर आप देख लीजिए क्या क्या टॉपिक होते हैं। देखिए इसको मैं डिटेल में तो चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसमें इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज का जो पहला पेपर है जिसमें 100 मार्क्स का पेपर रहता है, 50 आपके सब्जेक्टिव, 50 आपके ऑब्जेक्टिव और 50 आपके डिस्क्रिप्टिव का पेपर रहता है, उसको यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है क्या क्या आपके टॉपिक रहेंगे, आप देख सकते हो, या आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी मिल जाएगा। फिर इंग्लिश जो राइटिंग स्किल से बेस्ड है वो भी यहाँ पे देख रखा है कि आपको क्या क्या चीजें रहेंगी, क्लियर है। फिर आता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में जो आपके अलग अलग टॉपिक्स हैं वो मेंशन कर रखे, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट, जनरल टॉपिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपके अंदर पता है। जो फाइनेंशियल के बारे में तो बेसिक आपने भी पढ़ रखा होगा, जब आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये सारी चीजें तो मे भी आपने पढ़ा होगा कि रेगुलेशन है बैंक का कैसे होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये तो आपने बैंकिंग अवेयरनेस में भी पढ़ा है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम क्या है इंडिया में, कैसे इसका स्ट्रक्चराइजेशन क्या है, तो क्या नबार्ड वगैरह, एनएचबी, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, बहुत सी चीजों के बारे में आपने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। हाँ कुछ चीजें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी अलग, तो वो चीजें आप डेफिनेटली आपको अलग से करनी पड़ेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट रहे आपके लिए, सब कुछ एक दूसरे से रिलेट मिलेगा आपको। ये मैनेजमेंट है क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है तो ये फाइनेंस के टॉपिक कवर हो गए, अब मैनेजमेंट के यहाँ पे ये सिलेबस आपको दे रखा डिटेल में, तो आप देख सकते हो इसको, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लो, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था 2021 का उसमें सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है, यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको अलग अलग है, उसके साथ साथ यहाँ पे उसके पीडीएफ में जो आपको रेफरल भी दे रखा है कि कौन कौन सी बुक्स है उससे आप ये कवर अप कर सकते हो, ये आरबीआई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो ये आपका एथिक्स है और ये वर्क प्लेस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग है, ये तो बेसिक है, बहुत इजी है बेसिक चीजें कि कैसे वहां पे चीजें होती हैं, अलग अलग है, जैसे मतलब मोस्टली हम मान के जो वर्क प्लेस पे जो चीजें रहती है उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। ये अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ, आपको फेज वन का लास्ट ईयर का जो एग्जाम था उसमें आपको कट ऑफ है यहाँ पे दिखा रखे हैं, जो मेंशन कर रखी है जनरल कैटेगरी की 16 मार्क्स रही थी, जनरल अवेयरनेस का आपको पता है 80 मार्क्स का मैंने बताया था, रीजनिंग 60 मार्क्स की थी जिसमें से 12 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स का था 6 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 30 मार्क्स का था 6 मार्क्स, और टोटल 200 में से 66.75। अब काफी स्टूडेंट्स के माइंड में ही आएगा यार क्वांट में 6 मार्क्स की कट ऑफ,
यही हाल है। आईआईटी आईएम से पास आउट भी इन चीजों में ये मान के चलो कि अगर वो आईआईटी आईएम से पास आउट है तो आपको पता है कि कैट का एग्जाम में कितना डिफिकल्ट होता है, स्पेशली क्वांट की बात करें, ठीक है। तो डीआईएलआर भी आपका पता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन मान के चलो कि इस कट ऑफ को देख के आपके माइंड में भी थॉट आएगा कि हाँ कहीं ना कहीं लेवल थोड़ा अच्छा आता है। लेकिन ये देखो आप ओवरऑल अगर बात करोगे ना 66.75 यानी टोटल पेपर का आपको 33% मार्क्स लेके आने थे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, यही हाल है, ठीक है। और जो चीजें हैं, एक चीज और है, जिसके पास अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप मनवा सकते हो ना, इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि स्टूडेंट्स काफी कम फॉर्म फिल करते हैं ईडब्ल्यूएस से, जनरल में अराउंड 80 to 90,000 है, मे बी अब चेंज हो जाएगा आगे, क्योंकि आपको पता है हर साल जो है एडिशन होता रहता है, तो मे बी 1 lakh के अराउंड क्रॉस कर जाएंगे लोग। तो 66.75 है एग्रीगेट ओवरऑल अगर हम बात करें फेज वन के एग्जाम में आपको चाहिए थे, ये प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, सॉरी एक्सपेक्टेड डेट की, कि क्या एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है आपके बार, आपकी बार आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब तक आपके एग्जाम हो सकते हैं। अगर एक्सपेक्टेड डेट की हम बात करें तो इसमें आपको कुछ चीजें मैं आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आपको याद है कि 2019 के जो ज्वाइनिंग जो कैंडिडेट ज्वाइन किए थे तो उसकी जो वेटिंग लिस्ट थी, ठीक है, वो वेटिंग लिस्ट कब आई थी आपकी, अभी अभी 2000 के अभी जो रिसेंटली जो आपके ज्वाइनिंग हुई है, यानी कि अभी आपको पता है कि 2021 में जो आपके ऑलमोस्ट सारी प्रोसीजर कंप्लीट हो चुकी है, एग्जाम हो चुका है, फाइनल लिस्ट है वो आउट हो चुकी है, तो इसकी 7 दिसंबर को आपकी ज्वाइनिंग होनी थी, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें इस पॉइंट से समझना, काफी बच्चे क्या होंगे जिन्होंने और पर्टिकुलर एग्जाम दिए, जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम दिए है या फिर कोई और पर्टिकुलर एग्जाम दिया है, तो वो स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, वो यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे। जो स्टूडेंट्स यहाँ छोड़ के जाएंगे उनको क्या है, रिजर्व लिस्ट जो आपकी आती है उन कैंडिडेट्स को धीरे धीरे करके यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है, उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है आपको जो रिजर्व लिस्ट वाली है ना, इसके ऊपर फैक्ट नहीं करता कि भाई रिजर्व लिस्ट वाले आएंगे उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, बिल्कुल नहीं। लास्ट अब 2019 की जो वेटिंग लिस्ट थी वो कब आई थी, धीरे धीरे जब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी उसके बाद ही यहाँ पे आपको ये हुआ था। ऐसा नहीं है कि रिजर्व लिस्ट को फिल करने के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा, तो एक्सपेक्ट करें कि 7 दिसंबर को इन कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर लिया, इनकी रिजर्व लिस्ट है वो काफी टाइम बाद आएगी जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब आएगा, इस प्रोसीजर के अप्रोक्सीमेटली मैं मानता हूं कि 2 मंथ्स के बाद ही नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो जारी होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं फेब या फेब के मिड तक, ठीक है, मैक्स टू मैक्स फेब के मिड तक, इससे पहले भी आपको देखने को मिल सकता है फेब्रुअरी के स्टार्टिंग में, फेब्रुअरी के मिड तक, इसमें जो आरबीआई ग्रेड बी का जो नोटिफिकेशन है वो हाईली एक्सपेक्टेड है। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि अगर आप देखोगे प्रीवियस जो चीजें हुई थी, प्रीवियस जब ज्वाइनिंग हुई थी उसके कुछ टाइम के बाद, इन अराउंड 1 to 2 months के अराउंड यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया गया था। और अभी रिसेंटली आपको पता है कि वेज रिविजन भी हुआ, ठीक है, जो काफी टाइम से आपका पेंडिंग था 2017 के राउंड से, वो पेंडिंग था आरबीआई का, तो आरबीआई और आरबीआई के एम्प्लॉयर्स के लिए मीटिंग्स होती रहती थी कि भाई वेज रिवीजन पे, और वो चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसमें एग्जैक्ट जो नंबर है वो निकल के नहीं आए, बट बेसिक पे हमें मिला। तो ओवरऑल जो आरबीआई की जो सैलरी थी 57% हाइक थी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो रिवीजन हुआ वेज रिवीजन, तो उसके बाद जस्ट ये चीजें अनाउंस कर दी जाएंगी कि भाई कंप्लीटली जो फाइनल सर्कुलर आ जाएगा कि भाई इतना इंक्रीमेंट हुआ है, जैसे अलाउंसेज में, क्योंकि जो फ्यूल में भी 250 लीटर जैसे मैंने बताया चेंज होगा रेंट अलाउंसेज में, तो इसके जस्ट बाद, यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं फरवरी के मिड में या स्टार्टिंग में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये आपको पता है तब आएगा जब पीछे वाले अच्छे से सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर है पहले जो रिसेंट चीजें होंगी उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट प्रोसेस में, और रिजल्ट लिस्ट तो आपको पता है कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ के बाद भी चलती रहती है जब रिजल्ट आता रहते हैं। आपको पता है बेसिक आपकी बैंकिंग में, चाहे आप SBI कर रहे हो, RBI कर, जैसे RRBs कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अभी SBI कलर का रिजल्ट आया था, ठीक है, तो सेम इसी तरीके से पीछे क्या हुआ कि जो पीछे वाले रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेट थे उससे जस्ट पहले थोड़े टाइम के आसपास ही उन्होंने ज्वाइन किया था। तो ये जो रिजर्व लिस्ट का है इसके ऊपर ज्यादा फैक्टर नहीं करता कि भी रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेट आएंगे उसके बाद कंप्लीट होने के बाद ही होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 7 दिसंबर को ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो इसके अप्रोक्सीमेट 2 मंथ्स के अराउंड आपकी प्रोसेस नेक्स्ट है नोटिफिकेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फरवरी के मिड में हम ये चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशन पहले से रखो और कंप्लीटली अब की बार ये चीजें मिस नहीं करनी है। आपको काफी स्टूडेंट्स क्या है और एलिजिबल्स हो गए हैं, पहले क्या होता परसेंटेज का जो क्राइटेरिया में चेंज हुआ ना, तो अब की बार काफी स्टूडेंट्स और आएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि अब की बार वाले 2022 नोटिफिकेशन में जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है क्या वो हमें चेंज देखने को मिल जाए। वैसे तो ऑलमोस्ट 5-6 साल में आरबीआई चेंज करता रहता है अपना क्राइटेरिया, बट हो सकता है कि अब की बार भी कुछ हमें चेंज देखने को मिल जाए। क्लियर है, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखो और जो चीजें आपने देखी हैं समझना कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं वो देखो, आप ऑब्जर्व करो और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ और उसमें चीजें को देखो कि भी कैसे इतने कम कट ऑफ रह रही है,
कम क्यों रह रही है, किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आरबी ग्रेड बी का आपको देखना है कि एग्जाम क्या है, मेमोरी बेस्ड पेपर्स है, तो नीचे आपको एंट्री ऐप है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड करो, वहां पे प्रीवियस ईयर के आपको पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, और वो आप कंप्लीटली सोल्व करके देखो और देखो कि वहां पे किस लेवल के क्वेश्चंस रहे हैं, और उसके अलावा फ्री मॉक भी अवेलेबल है, तो आप ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे डाउनलोड करके एक बार देखो कि किस लेवल के पेपर रहे हैं, और सारी चीजें को एनालाइज करके फिर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि कैसे उसको प्रिपेयर करना है, क्लियर है। तो चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और अगर आपकी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है, कमेंट करके आपकी जो भी डाउट है पर्टिकुलर वो आप बता सकते हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव गुड डे।